हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो समय कम है, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए हर दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टेस्ट फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए। क्वेश्चन नंबर एक है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी किसकी होती है असाधारण बढ़ोतरी? अस्थि कोशिकाओं की संख्याओं में नहीं, प्लेटलेट्स में नहीं, लाल रक्त कणिकाओं की संख्याओं में भी नहीं, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्याओं में, डब्ल्यू बी सी की संख्याओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है ल्यूकेमिया में, जो एक प्रकार का है कैंसर। तो देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त, मतलब जो WBC होती है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कणिकाओं की संख्याओं में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कौन सा? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक रसायन है जो फल पकाने में उपयोग में लाया जाता है और फलों के रस को प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा अगर प्रश्न बनाया जाता है तो सोडियम बेंजोएट, नाम याद रखना, फलों के रस को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट, क्या सोडियम बेंजोएट। तो फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है CaC2 और यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस का मिश्रण है जो वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का मिश्रण गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, वनस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निकेल किसका किया जाता है? निकेल का, किसका? निकेल का। तो हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों के प्राप्त करने से है और वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण करने के लिए सामान्यतः निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेथेन या मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है कौन सा? धान के खेत से निकलती है, गेहूं के खेत से निकलती है? तो ये निकलती है धान के खेत से, इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। तो धान के खेत हो गए, कोयले की खाद्यान्न हो गए, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो अलग से पूछा जा सकता है कि मीथेन गैस के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड्स हो गए, समुद्र हो गए, और जो मानव निर्मित हैं वो कौन कौन से हैं? धान के खेत, धान उगाता है ना मानव, कोयले की खाद्यान्न करेगा, पशुचारण करेगा इत्यादि। सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सिगरेट के लाइटर में, इम्पोर्टेंट है प्रश्न, कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ब्यूटेन। कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ब्यूटेन। तो देखिए, ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र याद रखिए C4H10, और इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड, किसका? पॉलीएमाइड। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट लगाकर गलत मत कर दीजिएगा इसको। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो क्या होगा? आर्टिफिशियल होगा, प्राकृतिक नहीं है तो कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा, तो कौन सा नहीं है? ऊन है, रेशम है, चमड़ा है, लेकिन नायलॉन नहीं है। तो ऊन हो गया, रेशम हो गया, चमड़ा हो गया आदि प्राकृतिक बहुलक हैं। प्राकृतिक मतलब किसी जीविक जंतु या पौधों से प्राप्त होने वाला,
जबकि नायलॉन एक प्राकृतिक नहीं बल्कि सिंथेटिक बहुलक है। तो ऊन किससे? भेड़ से निकाली जाती है। रेशम किससे निकाला जाता है? रेशम के कीड़े से। चमड़ा किससे? गाय से भी निकलता है, और मतलब बहुत सारे जंगली जानवरों को मारकर चमड़ा प्राप्त किया जाता है। गाय हो गया फॉर एग्जांपल, भैंस हो गया, बैल हो गया, ये सब। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लोनल क्लोनल वरण का प्रयोग किया जाता है। क्लोनल वरण आलू में, किस में? आलू में। देखिए, क्लोनल वरण उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने की एक विधि है। आलू के उत्पादन में यह विधि प्रयुक्त होती है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अन्य अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन, कीटों का संवर्धन करना है क्या? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। देखिए, कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुए हो गए की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद्य या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर हैं इम्यूनोलॉजी के जनक। तो एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है हैजा। हैजा या कोलेरा एक जल जनित रोग है। देखिए, हैजा जो है एक संक्रामक आंत्रशोथ है, और जो विब्रियो कोलेराई नामक, ये नाम याद रखना, विब्रियो कोलेराई नामक जीवाणु से होता है, और मनुष्य में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से हो जाता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? किसको प्रभावित करती है थैलेसीमिया बीमारी? ये ब्लड को। किसको? ब्लड को, खून को, ब्लड को, रक्त को। तो थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से अनुवांशिकता के तौर पर मिलने वाली एक जन्मजात रक्त रोग है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? देखिए, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्यों के शरीर में रक्त प्रवाह की गति, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर त्रुटि हो गई है, रक्त प्रवाह की गति को मापने मापने में किया जाता है? किसका किसका किया जाता है? रेडियो सोडियम का। किसका? रेडियो सोडियम का। तो देखिए, शरीर के रक्त में, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन हेतु रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए रेडियो सोडियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है, और यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। तो कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का रेडियो आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है तथा इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो ये विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। किसका आविष्कार किया था फंक ने? विटामिन का। तो वर्ष 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया था। अगर विटामिन सी चाहिए तो खट्टे फलों को खाइए, और विटामिन ए चाहिए तो गाजर, विटामिन डी चाहिए तो सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडी की जर्दी इत्यादि। और बहुत सारे जो विटामिन हैं उनके वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, कब क्या पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम? बायो उत्प्रेरक होते हैं।
एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बायोत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायोत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, बढ़ाने का कार्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, अग्निशमक या अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? शामक का मतलब क्या? बुझाने में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जलने की बात आए तो ऑक्सीजन। तो अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रयुक्त होती है और जलने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, याद रखना। 20वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया था। किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे। 17 तक इसमें करेक्ट करिए, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज चैनल पर चल रही है सबका प्लेलिस्ट में लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेसन देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।